चलाता हूँ, आप वीडियो देखे हो, ठीक है? वो वीडियो सुनते हैं। आदत है मैं रोज़ाना 1 लाख दफ़ा दरूद शरीफ पढ़ना, तो मैनू बहुत ज़्यादा अल्लाह के नबी का दीदार होता। तो मैं उन्हें नहीं पता मेरे पुत्र का नाम असम जमी, कल ख्वाब आया कि आसम जमील ने आख्या है उनको चले थे अल्लाह के नबी पिछ गौ तके न टेक ला के आज बैठे हुए और फरमाइंदन आसम तो हूँ फौत हो के साढ़े को आ गया, इन्हों अल्लाह नाल बड़ा प्यार आई। अस्सलाम वालेकुम। मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता था, लेकिन ये कुछ ना कुछ देर से ये काफ़ी मैं वीडियोस देख रहा था, मैंने काफ़ी इग्नोर किया, लेकिन मैं मुझसे रहा नहीं गया। फिर मैंने बोला यार, मौलाना तारिक जमील साहब ने अपने एक बयान में बात की है कि कोई बाबा जी थे पेशावर के, तो उनका जो उन बाबा जी को नहीं पता कि मौलाना तारिक जमील साहब कौन है। तो बात को ज़रा समझिएगा थोड़ा गौर से, तो उनको नहीं पता कि मौलाना तारिक जमील साहब कौन है, उनके बेटे आसिम जमील कौन है। लेकिन वो जब इनके पास आके बाबा जी ने मौलाना तारिक जमील को आके बताया है ना कि मैंने इन आपके बेटे को ख्वाब में देखा है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, क्योंकि वो बाबा जी जो थे वो डेली दिन में 1 लाख मरतबा दुरूद पाक पढ़ते थे, कोई वजीफ़ा करते थे जिनसे उनको हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़्यारत हुआ करती थी ख्वाब में, ठीक है? तो वो कहते हैं कि जब मुझसे मिलने आए तो उन्होंने मुझे आके ये बताया, ये सब बताया कि मैं दिन में 1 लाख दुरूद पढ़ता हूँ इसलिए मुझे ज़्यारत हुआ करती थी। तो मैंने एक बेटे को देखा उनके साथ बैठे हुए और वो आपका बेटा था आसिम जमील, और उन्होंने मुझे ये पैगाम दिया है कि मेरे बाबा जान को जाके बता दो कि मैं अपनी जगह पे पहुंच गया हूँ। तो ये उन्होंने बात जो अपने बयान में की है, तो मुझे समझ नहीं आती है कि वो इतनी बड़ी स्टेटमेंट आप कैसे दे सकते हो, और इतनी बड़ी स्टेटमेंट आप दे रहे हो, चलो एक बंदे के बारे में दे रहे हो कि बाबा जी दुरूद पाक पढ़ते हैं 1 लाख मरतबा, जो समझ में नहीं आती है। आप उनके बारे में बोलो जो मर्ज़ी बोलो, क्योंकि वो नॉर्मल बंदे हैं, ठीक है? उनका कंपैरिजन तो किसी भी तरह से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नहीं हो सकता, ठीक है? मुझे मसला ये हो रहा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दरमियान में ला के इतनी बड़ी स्टेटमेंट क्यों कर रहे हो? आपको श्योर है बाबा जी ने देखा है? इतना नॉलेज मुझे अभी नहीं है, लेकिन एटलीस्ट बेसिक मुझे पता है 1 लाख दरूद एक दिन में पॉसिबल नहीं है। कि अगर ईच सेकेंड पर सेकेंड दिन में अगर 1 सेकेंड में भी एक दरूद आप पर हो, जो कि पॉसिबल नहीं है, 1 सेकेंड में आप एक दरूद नहीं पढ़ सकते हो। इवन चलो अगर पढ़ भी लेते हो तो भी पॉसिबल नहीं है कि आप एक दिन में 1 लाख दरूद पढ़ो। 1 लाख दरूद एक दिन में पढ़ना आई थिंक पॉसिबल नहीं है, आई थिंक क्या है ही नहीं पॉसिबल। अगर आप 1 सेकेंड में भी पढ़ते हो पूरे दिन का अगर आप काउंट करो तो नहीं बनता। वो बाबा जी कोई आई थिंक उनके पास कुछ सुपर पावर्स होंगी जो 1 लाख दरूद पढ़ते हैं दिन में, या पता नहीं किस स्पीड के साथ पढ़ते रहे हैं वो दरूद। कैसे पॉसिबल है यार एक दिन में 1 लाख दरूद, कैसे पता नहीं। अब ना सिर्फ एक दो सवाल है मेरे कि आप इतनी मतलब जिनके लिए पूरी कायनात तख्लीक कर दी गई है, जिनके लिए पूरी कायनात अल्लाह ताला ने बना दिया है, ठीक है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, उनसे कोई बात एसोसिएट कैसे कर सकते हो? आप कैसे इतनी बड़ी पर्सनैलिटी के बारे में आप 100% श्योर हो के पूरी दुनिया के सामने बैठ के, इतनी कम्युनिटी आपको फॉलो करती है, मुस्लिम कम्युनिटी आपको फॉलो करती है, ठीक है, आप वो बात कैसे कह सकते हो, ये बात कैसे? और मेरा दूसरा सवाल ये है कि जिन बाबा जी ने आके मौलाना तारिक जमील को ये बात कही है, ये ख्वाब बताया है, क्या वो 100% श्योर हैं इस बात पे कि उन बाबा जी ने वाकई ख्वाब में इनके बेटे को देखा है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ? अगर वो श्योर हैं इस बात पे कि हाँ जी 100% श्योर उन्होंने देखा ही देखा है, क्या क्या श्योरिटी है किसी इंसान के पास कि उसने हज़रत सल्लम को ख्वाब में देखता है? वो इतनी बड़ी बात आप कैसे बोल सकते हो यार, इतनी बड़ी पर्सनैलिटी के बारे में आप इतनी बड़ी बात कैसे बोल सकती हो? मुझे तो ये बात समझ ही नहीं आती है।
हम सोच नहीं सकते हुसैन हमसे कोई बात गलत या जिसके बारे में हम श्योर नहीं है, हम वो बात कैसे बोल सकते हैं? ये बात मुझे समझ नहीं आती है। ये मौलाना साहेब, ये जितने भी मौलवी बैठे हुए हैं, ये लोग पता नहीं इतनी बड़ी बड़ी बातें कैसे उनसे जोड़ के बोल देते हैं, मुझे इस बात की समझ नहीं आती है। मैं इनसे इख्तिलाफ़ नहीं है कोई भी, लेकिन वो कुछ बातें अपने बयान में भी ऐसी बगैर रेफरेंस के बोलते हैं। और लेकिन ये जो बात इन्होंने कही, इनका बेटा था इसलिए इन्होंने इस बारे में बात की, बयान दिया, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं कहता हूँ, अगर एक इंसान को इतने लोग फॉलो कर रहे हैं, तो आप कोई ऐसी बात नहीं करो इमोशंस में आके, जज्बात में आके। मैं मानता हूँ उनका दुख बहुत भरा है, उनके बेटे की डेथ हुई है, यंग बेटा था काफ़ी, लेकिन आप कोई ऐसी स्टेटमेंट्स नहीं आके पब्लिक में इस तरह से बोलो। ठीक है, अगर वो सब कुछ हुआ भी है, आप आके बता क्यों रहे हो उस तरह से? कि अगर ठीक है उनको ज़्यारत हुई, लेट्स सपोज उनको ज़्यारत हुई, वो उनके हौसलों के साथ बैठे हुए हैं, तो आप इस तरह पब्लिक में आके क्यों बता रहे हो? मतलब क्या दिखाना चाह रहे हो? आपके आपका बेटा, मतलब अल्लाह उसकी बख्शीश फरमाए, इनके घर वालों को सब्र दे, आप इस तरह की बात नहीं करो आके। और एक तो 1 लाख दरूद एक दिन में एक इंसान कैसे पढ़ सकता, मुझे नहीं समझ आती। नो ऑफेंस, कोई मेरा उनसे वो नहीं है, लेकिन हो सकता है मेरे जैसे और भी लोग हों जिनको ये बात समझ में ना आई हो। तो बस एक छोटी सी मैंने अपनी राय थोड़ी शेयर करनी थी, बाकी नो हेट, कुछ मसला नहीं है। ये जो है, ये काम जो है, ये स्टेटमेंट थोड़ी ज़्यादा ही उन्होंने बोल दिया जज्बात में आके, शायद पता नहीं मुझे। बाकी हर इंसान के अमाल अमल सब उसके साथ है, तो ये बात मुझे करनी नहीं थी, पता नहीं मुझसे रहा नहीं गया, काफ़ी डेज से मैं इग्नोर कर रहा था, मैंने बोला नहीं यार, लेकिन थोड़ी बात अजीब है। खैर, अल्लाह उनके घर वालों को सब्र दे, रहम की जो है मगफरत फरमाए, उन पे रहमत करे, उनके साथ हुआ जैसे भी हुआ। कुछ लोग तो ये बोलते हैं सुसाइड है, कुछ लोग बोलते हैं नहीं सुसाइड नहीं है, जो भी है डिप्रेशन है ये वो, जो भी है हमें उससे लेना देना कोई नहीं है, अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन ये जो एक स्टेटमेंट आप नबी को ला के दो, तो इसमें थोड़ा मुझे मसला हो जाता होता। यही थी आज की वीडियो, बाकी फिर देखते हैं। अल्लाह हाफिज़।